बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा क्या कहा। उनके निधन से आम से खास हर किसी की आंखें नम हैं। बॉलीवुड से लेकर संगीत घरानों में शोक की लहर है। भले ही बॉलीवुड को उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हो, कपूर खानदान से वो आते हों, लेकिन बतौर एक्टर उन्हें इस बात का कभी घमंड नहीं रहा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जमीन से जुड़े इंसान थे, आम इंसान हो या कोई बड़ी हस्ती। जिंदा दिल ऋषि कपूर हर किसी के साथ जुड़ जाते थे और यही वजह है कि आज वाराणसी का संगीत घराना गाकर उन्हें स्वरांजलि दे रहा है। अपने बनारसी ठुमरी और शास्त्रीय संगीत के लिए मशहूर बनारस के संगीत घराने से जुड़े संगीतकार पंडित कामता प्रसाद ने नम आंखों से ऋषि कपूर को याद किया और रघुपति राघव राजा राम गाकर उन्हें स्वरांजलि दी। इसी के साथ संगीतकार पंडित कामता ने ऋषि कपूर से जुड़ी अपनी वो यादें भी साझा की जिसके चलते उन्हें ऋषि कपूर को जानने का मौका मिला। मैं कांता प्रसाद मिश्र और कांता महाराज, मैं स्वर्गीय पंडित दामोदर मिश्र जी का सुपुत्र हूँ, बनारस घराने के गायनाचार्य। आज किस तरीके की श्रद्धांजलि आज श्रद्धांजलि दी है? बस भजन करके हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है और ऋषि भाई के साथ तो हमारा पुराना 98 में हम लोग अमेरिका जा रहे थे, वो भी साथ में थे। बहुत ही अच्छे इंसान, इतना अच्छे इंसान थे कि मैं बात किया, जब तक जहाज जा रहे थे तो उसी पर हम पद्म विभूषण राजन साजन मिश्र जी हमारे परिवार के हैं और हम लोग जा रहे थे तो उस समय मुलाकात हुई। आज अचानक सुन करके उनका शोक में स्तब्ध हो गया कि मैं उनसे बात किया हूँ और ये वो एक अच्छे कलाकार के श्रद्धांजलि रघुपति राघव राजा राम से ही हमने दिया है और तालबद्ध दिया हूँ। है वैसे तो पूरा फुल फेस गाना तो मैं नहीं गाया। बहरहाल समूचे देश में लॉकडाउन 2 जारी है जिसके चलते परिवार और करीबी रिश्तेदारों के अलावा कोई भी ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। घरों पर रहकर ही फिल्मी हस्तियों से लेकर आम आदमी ऋषि कपूर को आज याद कर रहा है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।